दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंसी का एनालिसिस करने वाले हैं। करेंसी में यूएस डॉलर और आईएनआर के प्राइस में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एंजेलन की एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको इंस्टाट्रेड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंस्टाट्रेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आपको यूएसडी आईएनआर लगाना है तो आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च ऑप्शन पर यूज़ करके आप यहाँ पर यूएसडी आईएनआर जैसे सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर करेंसी की के कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाते हैं। हम ये कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही ऐड कर चुके हैं, इससे हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे यूएसडी आईएनआर लगा हुआ है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली एक टाइम में क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यूएसडी आईएनआर का चार्ट ओपन हो जाता है। इस चार्ट में हमने कुछ इंडिकेटर को फ्लॉट किया हुआ है जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे एक एमएचडी इंडिकेटर को लगाया है, एक बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को लगाया है और एक एएलएमआई इंडिकेटर को लगाया है जो कि ब्लू लाइन में दिखाया गया है। इसके साथ ही आपको अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो करेंसी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या रह सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि करेंसी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 83 का। 83 तक के प्राइस हमें दो बार रिजेक्शन देखने को मिला तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। और सपोर्ट की बात करें तो 82.60 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन करेंसी क्या है कि यहाँ पे एक एएलएमआई इंडिकेटर और एक बोलिंजर बैंड के सिग्नल लाइन के बीच में अटक चुकी है। जब तक कि इन रेंज को पार नहीं करेगा करेंसी तब तक कि हमें दोनों में से किसी भी एक साइड में कोई अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर करेंसी एएलएमआई इंडिकेटर के अपर साइड में ब्रेक करके ऊपर की ओर होल्ड होता है तो हमें करेंसी में यहाँ से अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं और करेंसी वापस से 82.80 के लेवल तक के या 83 के लेवल तक के हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम डाउनसाइड की बात करते हैं, डाउनसाइड का जो 83.67 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करते हैं नीचे की ओर तो हमें 82.60 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो करेंसी में जो गिरावट आई थी 82.4 तक के, तो यहाँ तक के करेंसी हमें स्लिप होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं करेंसी के लिए। और अगर गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू बनती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है 82.10 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए हम करेंसी में काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए करेंसी में हमें अभी जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इन लेवल का वेट करना चाहिए। जब तक कि ये लेवल में हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिले तब तक हमें यहाँ पर पोजिशन नहीं बनाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि करेंसी में अपसाइड का लेवल ब्रेक होता है और हमें बाइंग की पोजिशन बनाना है तो हम यहाँ पर बाय ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और अगर हमें लगता है कि करेंसी में निगेटिव ट्रेंड आ सकता है तो हम सेल ऑप्शन का यूज़ करके हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें लगता है कि करेंसी को बाय करना है तो हम बाय ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करेंगे, वन लॉट मेंशन करेंगे, एक लॉट में 1000 यूनिट आती है। करंट प्राइस के साथ हमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है ये 1949.64 की लगने वाली है। इसके साथ आपको जो चार्जेस यहाँ पे देने होंगे वो चार्जेस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाय ऑप्शन का सिंपली क्लिक करना होता है, कंफर्म ऑर्डर पे प्लेस करना होता है, हमारा ऑर्डर सबमिट हो जाता है। एक बार ऑर्डर आपका सबमिट होने के बाद आपका जो पी एंड एल है आपको यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। मतलब कि आपको कोई अलग से कोई दूसरी विंडो पर नहीं जाना होता है। कहने का मीनिंग ये है कि आप एक ही विंडो से आप चार्ट का एनालाइज भी कर सकते हैं और आप यहां से अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी बनाई हुई पोजीशन पे आपको पोटेंशियल रिटर्न मिलने वाला है तो आप नीचे सेल ऑप्शन का यूज़ करके आप विद इन अ सेकेंड में अपनी पोजीशन को यहाँ से स्क्रैप कर सकते हैं। या तो अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं, आप ऑर्डर लगा के उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन के माध्यम से आप करंट मार्केट में किसी भी टाइम पर आप अपने पोजिशन को स्क्रैप कर सकते हैं या आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी इस ऑप्शन से कर सकते हैं। साइड बार में आप टूल ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग टूल्स जैसे कि ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये लगा के आप अपने चार्ट को और ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। एफएक्स ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ से अलग अलग इंडिकेटर जैसे बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, एमएचडी इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर, एएलएमआई इंडिकेटर, इन इंडिकेटर को लगा के आप अपने चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ईजी, इतना आसान हो जाता है एंजेलन एप्लीकेशन में इंस्टाट्रेड को यूज़ करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें। अगर आप दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 ईयर का AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़े हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।